मैं उत्तृष्णा यादव और स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास सेगमेंट में, जिसमें हम आपको उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 75 बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। तो रुक करते हैं खबरों का। मुलायम सिंह यादव की बिगड़ी तबियत, गुरुग्राम मेदांता अस्पताल में भर्ती। राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार का समर्थन करेंगी मायावती, विपक्ष पर बोला हमला। सीतापुर में 4 शिक्षकों पर मुकदमा, फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर बना शिक्षक, 4ों से वेतन की होगी रिकवरी। बांदा में क्लास 3 के छात्र ने सुसाइड किया, मां ने पढ़ाई को लेकर डांटा तो किताब लेकर कमरे में गया, वहीं गमछे से लगा ली फांसी। एटा में पूर्व सपा विधायक की करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त, उनके भाई की 33 बीघा जमीन कुर्क। गाजीपुर में ग्राम प्रधान की अनूठी पहल, नवनिर्मित सार्वजनिक शौचालय को दिया ट्रेन के डब्बे जैसा लुक, नाम दिया स्वच्छता एक्सप्रेस। इटावा में 72 घंटे में 3 मर्डर, एक का भी नहीं खुलासा, जिले में अलग अलग 3 हत्याओं का पुलिस खुलासा नहीं कर सकी। गाजियाबाद में कटहल खराब निकलने पर सब्जी विक्रेता की हत्या, खराब कटहल को वापस करने से किया था मना। बढ़ सकती है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फीस, एकेडमिक काउंसलिंग की बैठक आज, फीस वृद्धि, 10 नए इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू करने पर होगी चर्चा। चंदौली में पंचायत सचिव ने नहीं कराया पंचायत भवन का निर्माण, GPRO ने किया निलंबित। आगरा में पत्नी हत्या का वीडियो वायरल, चौथी मंजिल से फेंका फिर पति आकाश ने हाथ की रस्सी और गले में सा दुपट्टा हटाया। जौनपुर में हुए सिलेंडर रिसाव में हुई चौथी मौत, BHU में भर्ती बेटे की भी मौत, अब पिता की हालत नाजुक। मेरठ में बाइक टकराने पर फायरिंग, 2 को गोली लगी, पुलिस शिकायत की तो आरोपी पक्ष ने घर में घुसकर बोला हमला। मऊ में ANM टीकाकरण में ले रही 10-20 रुपए, सरकार निःशुल्क चला रही अभियान, संविदा पर तैनात है नर्स। जीत को लेकर आश्वस्त है आजम, फिर भी सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार जताई, मतगणना में धांधली की आशंका। वाराणसी में सगी भांजी को ब्लैकमेल कर रेप करता था कलयुगी मामा, शादी के बाद खुली पोल। कन्नौज के पास देर रात एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस बना आग का गोला, बाल बाल बचे 70 लोग। बाराबंकी में अग्निवीर योजना के समर्थन में युवा, कहा 4 साल क्या 4 दिन के लिए भी सेना जाने को तैयार। कानपुर देहात में बाइक सवार बदमाशों ने कृषि विभाग के कर्मी को लूटा, बदमाशों की तलाश में पुलिस। गोरखपुर में पत्थरबाजों से निपटेगी स्पेशल टीम, एंटी राइट फुल बॉडी प्रोटेक्टर इक्विपमेंट में लैश हुई यूपी पुलिस। बदायूं में बस स्टैंड पर मिले 3 मासूम, माता पिता का नाम नहीं बता पा रहे, अब सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल। बरेली में अनफिट वाहन मिले तो स्कूल की मान्यता होगी रद्द, प्रशासन ने स्कूली वाहनों के फिटनेस की जांच के दिया आदेश। बिजनौर में शराब पीने के विवाद के चलते युवक की पिटाई, मौत, शराब पी कर नाच रहे थे तभी हुआ विवाद। 15 बिल्डर और 13 संस्थागत आवंटितों को नोटिस जारी, 3000 करोड़ रुपए की होगी वसूली। मेरठ में युवक की पीट पीट कर हत्या, शरीर पर मिले 50 से ज्यादा डंडों के निशान। यूपी पुलिस पर भड़के बीजेपी सांसद, बोले ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसने की शिकायत उसे कैसे लेकर थाने चले गए। मेरठ लकड़ी की दुकान में लगी भयंकर आग, आग इतनी तेज थी कि 6 गाड़ी फायर ब्रिगेड बुलाई गई, तब पाया गया आग पर काबू। झांसी में गर्भवती को ट्रेन के नीचे आने से बचाने का वीडियो वायरल, चलती ट्रेन के चढ़ते वक्त गिरी सिपाही ने 9 सेकंड में बचाया। गाजियाबाद में दुकान में आग से 6 झुलसे, किराना स्टोर में गैस सिलेंडर की रिफिलिंग करते वक्त दर्दनाक हादसा।
यूपी में किस आईपीएस अफसरों के तबादला, सीतापुर, मऊ, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर और सुल्तानपुर के पुलिस कप्तान बदले गए। और ये में बन रहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जायजा लेने पहुंचे अवनीश अवस्थी का। एक्सप्रेसवे के शुरू होने से बुंदेलखंड के लोगों को सहूलियत मिलेगी। बदायूं में सामुदायिक शौचालय में दिन भर लटकता है ताला, परेशान ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। बुलंदशहर में पुलिस ने दोपहिया एवं डग्गामार बसों का काटा चालान, साथ ही अग्निपथ योजना से संबंधित युवाओं को किया जागरूक। गाजियाबाद में फिर दिखा आग का तांडव, चपेट में आने से तीन लोग बुरी तरह झुलसे, सभी की हालत गंभीर। हरदोई में अज्ञात कारणों के चलते लगी आग, आग लगने से नकदी जेवर सहित लाखों का सामान जलकर राख। लखीमपुर खीरी में पूर्व माध्यमिक विद्यालय में सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला, पूर्व अध्यक्ष पति ने जिलाधिकारी से की कार्रवाई की मांग। मानपुरी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने चलाया अभियान, अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से किया गया ध्वस्त। गोरखपुर में चौराहे पर सीसीटीवी लगवाने वालों के घर बजेगा पुलिस बैंड, एडीजी खुद पहुंच माला पहनाकर करेंगे सम्मानित। बदायूं में युवक ने पत्नी की गला रेतकर की हत्या, पति फरार हुआ, वारदात की वजह नहीं पता कर रहे परिजन। कानपुर में कॉल गर्ल के साथ दरोगा चला रही थी वसूली का सिंडिकेट, दबिश देकर कारोबारियों को उठाया। वाराणसी में नुकसान की भरपाई करे नहीं तो जाएंगे उपभोक्ता फोरम, बैंक मैनेजर ने एयर इंडिया से की शिकायत। शामली में चोरी के शक में युवक की पिटाई, गिड़गिड़ाता रहा, मुझे मत मारो, गलती से ले गया था दूसरे की बाइक। डब्ल्यूडी के रिकॉर्ड रूम में लगी आग, कार्यालय में मची अफरा तफरी, सूचना पर दो दमकल पहुंची। मुजफ्फरनगर में भाग्यू भानु गुट जिलाध्यक्ष सहित पांच अरेस्ट, रंगदारी का मुकदमा समाप्त कराने का डाल रहे थे दबाव। फरुखाबाद में पुलिस पर युवक की पीट पीट कर हत्या का आरोप, शव देने से कह इनका तो जबरदस्ती जीप में ले गई पुलिस। प्रयागराज में दरोगा अतुल सिंह का बाथरूम में मिला शव, नवाबगंज थाने में तैनात है, शरीर पर नहीं है चोट के निशान, जांच जारी। आजमगढ़ में सड़क दुर्घटना में दो की मौत, तीन घायल, तेज रफ्तार ब्रीजा कार की ट्रक से हुई जोरदार टक्कर। गाजीपुर में विजिलेंस की रेड में पकड़े गए 47 बिजली चोरी विभागीय, थाने में दर्ज हुई एफआईआर। अमरोहा में किसानों की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा वहां के सर डीएम से जल्द समस्याओं के समाधान की मांग। बागपत में चार शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, पुलिस को लगातार मिल रही थी चोरी की शिकायत, पांच बाइक बरामद। सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से दो बदमाश घायल। देवरिया में नए जल अधिकारी के आते ही काम में तेजी, ज्वाइन करने के अगले दिन ही विकास कार्यों का किए थे निरीक्षण। बिजनौर में सड़क हादसे में युवक की मौत, डीसीएम ने बाइक को मारी टक्कर, एक गंभीर रूप से घायल। भदोही में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत, मिर्जापुर के रहने वाले थे दोनों, एक ही बाइक से जा रहे थे वाराणसी। मेरठ में सरकार के खिलाफ किसानों की नाराजगी का वीडियो आया सामने, इंसाफ नहीं दे सकती तो किसानों को सल्फाज दे दे सरकार। फ्रांस के राजदूत ने चखा जौनपुर की इमरती का स्वाद, खुद कैमरे में कैद की तस्वीरें, बोले भारत की संस्कृति का कायल हूं। शाहजहांपुर में एसडीओ से मारपीट, लाइनमैन को हचाने से थे नाराज, ग्रामीण ऑफिस के बाहर निकालकर पीटा। गाजीपुर में आवारा पशु मिलने पर होगी कार्रवाई, जीएम ने की समीक्षा बैठक, बीडीओ से सीएम ने मांगा जवाब।
जलौन पहुंचे सीएम सोम अवनी सवस्ती बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का किया निरीक्षण, अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कौशाम्बी में छात्र से मोबाइल छीनकर भागे बदमाश, बीए की परीक्षा देकर जा रहा था घर। गाजियाबाद में 24 घंटे में मिले कोरोना के 74 केस, 8 साल की बच्ची की मौत के बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट। अमरोहा में स्वच्छता को लेकर गंभीर है सरकार, डीएम ने शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने की अपील, एसडीएम और ईओ को दिए निर्देश। श्रीकृष्ण जन्मस्थान शाहिद गाह मामला को लेकर वृंदावन में साधु संत और धर्माचार्य करेंगे बैठक, आगामी रणनीति पर करेंगे चर्चा। फरुखाबाद में अमृत महायोजना पर विवाद, सामूहिक पलायन की तैयारी, 200 मकानों पर लगे हैं मकान बिकाऊ के पोस्टर। कुशीनगर में छोटी गंडक नदी के किनारे मिला युवक का शव, गांव के 200 मीटर दूर पड़ा था शव। कासगंज में शॉर्ट सर्किट से मकान में लगी आग, दमकल विभाग की एक गाड़ी ने आग पर पाया काबू, सामान जलकर राख। रायबरेली में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, शादी के में शामिल होने आई थी मासूम, जिला अस्पताल में भर्ती। फरुखाबाद में प्राथमिक विद्यालय मुडेरा में बच्चों से करवाया जा रहा बाल श्रम, मासूम बच्चों के हाथों में किताबों की जगह पकड़ाई झाड़ू। 3 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर सकते हैं पीएम मोदी, दिल्ली का सफर होगा आसान। मुख्यमंत्री योगी का आह्वान, बोले वैज्ञानिक शोध पत्र लिखे और पेटेंट कराए। बरेली में दर्दनाक सड़क हादसा, कार पलटने से मासूम की मौत, दंपति घायल। सीएम योगी ने दिल्ली में खींचा यूपी के विकास का खाका, केंद्रीय मंत्रियों से हुआ इनका विकास योजनाओं पर मंथन। स्मार्ट बन रहे हैं बाराबंकी के स्कूल, अधिकारी बदल रहे हैं सरकारी स्कूलों की सूरत, गोद लेने के बाद काफी सुधार। उत्तर प्रदेश की 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो